जिग्ना बोरा जिन्हें आप बिग बॉस 17 में देखने वाले हैं, उनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी या यूं कहें कि उनकी बायोग्राफी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। तो जिग्ना बोरा का जन्म 22 फरवरी 1974 को एक गुजराती परिवार में हुआ और जिग्ना ने डीजी रूपरेल कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की और उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा केजी सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई मुंबई से की। जिग्ना बोरा 49 साल की हो चुकी हैं और वह एक सिंगल पेरेंट हैं। जिग्ना की शादी के कुछ साल बाद ही उनका डिवोर्स हो गया था और उनका एक बेटा है। जिग्ना बोरा पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हैं, वो भी एक टॉप की पत्रकार। जिग्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह पत्रकार थी तब मुंबई में जब भी कहीं क्राइम होता था तो सबसे पहले खबर उन तक ही पहुंचती थी, पर साल 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वह खबरों में आ गईं। साल 2011 में उनके साथी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या की साजिश की गई, जिसके जुर्म में जिग्ना बोरा का नाम सामने आया था और जिग्ना बोरा का नाम अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर छोटा राजन से जोड़ा गया और इन सब के चलते जिग्ना बोरा को साल 2012 में मुंबई पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की और उन पर केस दर्ज किया और फिर जिग्ना बोरा लगभग 9 महीने जेल में रही। जिग्ना बोरा की लाइफ के ऊपर फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम उन्होंने स्कूप रखा है, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, जिसमें जिग्ना बोरा की लाइफ स्टोरी क्या कहें कि उनकी पूरी जर्नी को बयां किया गया है। उनका किरदार जो है वह बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने निभाया है और हाल ही में करिश्मा तन्ना को इस फिल्म स्कूप के लिए अवार्ड भी मिला। तो कैसा लगा आपको जिग्ना बोरा के बारे में जानकर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।